तुम्हारा और इफ्रा का दिल का रिश्ता बन चुका है? हाँ, कह सकते हैं। अरे माशाल्लाह, वो इतनी प्यारी है, क्या कमी है उसमें? मुझे तो बहुत पसंद है। अगर इतनी पसंद थी तो मेरी बेटी को आपने अपनी बहू क्यों नहीं बनाया? अदीना बेटा, भाई आ गया है, आके उसे खाना वाना दो, फिर वो आराम करेगा, थका हुआ आया है। अदीना आ जाओ बेटा। निया, खाना बिल्कुल तैयार है, आप बस टेबल पे लगा दें। आंटी कह रही थी कि आपके भाई को बहुत भूख लग रही है। क्या हो गया, आप कुछ बोल क्यों नहीं? आप जी, मैं मुझे देख कर खुशी नहीं, लेकिन आपको यूँ अपने घर में, अपने किचन में खाना बनाते देख कर मुझे बहुत खुशी है। सीरियसली, इतना थका हुआ था, सोचा था कि घर जाके खाना खाऊंगा, सो जाऊंगा और सारी थकान उतर जाएगी। लेकिन कितनी अच्छी बात है, तुम्हें देखते ही मेरी नींद, मेरी भूख, मेरी थकान, जाने सब कहाँ गायब हो गए। अरे आशा भाई, आप यहाँ पर हैं? मैं कब से वहां पे आपको ढूंढ रही थी, अब आप आ गए ना। जल्दी से हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगा रही हूँ। और आपको पता है आज स्पेशल बात क्या है? आज खाना इफ्रा ने बनाया है, उस दिन आप कह रहे थे ना। जल्दी से पेटे लगा रही हूँ। मेरे घर के किचन में आने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। जान सकती हूँ क्या बात हुई? एनीवेज, मैं खुद पता लगाऊंगी। महानूर चुप कर जाओ बेटा, कितना रोओगे? रो रो के खुद को हलकान मत करो, बीमार पड़ जाओगे। छोटा सा तुम्हारा बच्चा, इसका ख्याल कर लो। चुप रहो, बहुत रो लिया। जब जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है, मुझ में एक आग सी लग जाती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। मां, वो औरत उस घर में मालिक बनी फिर रही है। और अदीना, मुझे तो मुंह ही नहीं लगा रही थी वो, ऐसे जैसे मुझे जानती ना हो, पहचानती ना हो। मुझसे कोई बात नहीं की, बस उसी के आगे पीछे फिर रही थी वो। नहीं होता मुझसे सब कुछ बर्दाश्त। बेटा, ये बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। काश मैं मुस्तकबिल को पढ़ सकती होती तो मैं आशिर के सामने किसी को तरजीह ही नहीं देती। आलिया बाजी को भी तो देखो, हमारे घर में बैठकर ऐश कर रही है और हम माँ बेटियां दर दर की ठोकरे खा रही। ये बच्चा भी पता नहीं क्या नसीब लेकर पैदा हुआ। मैं उस इफ्रा की शादी आशिर के साथ कभी नहीं होने दूंगी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी।
जहन्नम बना दूंगी इस दुनिया को उसके लिए। उसका कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आशिर से शादी करे। मैं इस रिश्ते से कहां खुश हूं, मैं तो खुद चाहती हूं कि ये लड़की कल की मरती आज मर जाए। मैंने लाख कोशिश की आलिया बाजी से बात करूं, इतनी बार उनको बातों में उस बात पर लेकर भी आई, लेकिन आलिया बाजी इतनी गुन्नी मीसनी है, मजाल है बात पर बात आने दी, किसी बात का जवाब नहीं, ना हूं ना हां, जिप लगा के मुंह पे बैठी रही। एक तो वो घटिया आदमी उमर, पूरे हैदराबाद में कहीं नहीं मिला वो, और मेरे पीठ पीछे उसने मेरी जिंदगी साफ कर दी। माही, उस उम्र के बच्चे को गोली मारो, उसे तो हम अदालत में निपट लेंगे। फिलहाल परेशानी इस इफ्रा की है, पता नहीं बैठे बैठे आशिर की जिंदगी में कहां से टपक पड़ी। अच्छा मुझे ये तो बताएं, आपकी खाला से और क्या बात हुई? हाय हाय, बताना ही भूल गई, आशिर ने शादी की तारीख आगे कर दी है। पढ़ाई कोई एहसान किया है ना उसने हम पर? दिल पर मत लो माही, देखो वक्त सदा एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, और हर मुश्किल का हल है। कोई मुश्किल इस दुनिया में ऐसी नहीं जिसका हल ना हो। मजबूत बनाओ अपने आप, पहुंचो अपने आंसू, देखी जाएगी। छोटा सा बच्चा, इसका ही ख्याल कर लो। जल्दी। अरे डीना, क्या तुम मुझे चोरी छुपे कहां ले? मेरी बात सुने, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। लेकिन बेटा, वो इफ्रा को हम अकेला छोड़ के आए हैं, वो क्या सोच रही होगी कि मुझे अकेला बिठा के ये माँ बेटियाँ कहाँ चली गई? आप बैठे, इफ्रा कुछ नहीं सोचेगी, आशिर भाई हैं उसको कंपनी देने के लिए। और जो बात मैं अब आपको बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तुम तो मेरी जान निकाल के दम लूंगी, तुम्हें राफिया की बातों से इतनी परेशान। ओ, यानी खाला ने भी आपसे कुछ बोला है? अरे उसकी तो आदत है बातें बनाने की। तुम बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? अम्मी मेरी बात बहुत सुकून से सुने जो मैं कहने वाली हूँ। आशिर से मगनी करने के बाद बहुत हवाओं में उड़ रही हो ना, तो किसी खुशफहमी में मत रहना। आशिर पहले भी मेरा था, आज भी मेरा है, और सारी जिंदगी मेरा रहे। तुम्हें क्या पता, आशिर और मैं, हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। आशिर को तो मुझे देखे बगैर उसकी सुबह सुबह और शाम शाम नहीं होती थी। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के कई ख्वाब भी देखे। खुदा के लिए मेरे और आशिर के दरमियान में से चली जाओ। तो हम आपके और आशिर के दरमियान नहीं आए, उन्होंने खुद बाकायदा हमारे लिए रिश्ता भिजवाया था। रिश्ता? रिश्ता माय फुट। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम आशिर से शादी करने में कामयाब हो जाओगी? कभी भी नहीं। मेरी बहुत जल्द डाइवोर्स हो जाएगी, फिर मैं और आशिर एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे, होगा वही जो मैं चाहती हूं, समझी तुम? क्या है, अल्लाह खैर करे, ये सब लोग मेरे बेटे की खुशियों के क्यों दुश्मन बने हुए? अदीना तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम्हें पता है कल तुम्हारी खाला ने इशारे किनारे में साफ साफ मुझे ये बात कही कि वो मानूर को मेरी बहू बनाना चाहती है। अम्मी ये सारे खदशात थे मेरे जहन में, और इसीलिए मैं चाह रही थी कि जल्द अज जल्द आशिर भाई का निकाह हो जाए। मुझे लगता है कि सब अच्छे के लिए नहीं होगा। वो समरा और जावेद भाई जो है ना, उनके कानों तक अगर ये बात पहुंच गई तो वो एक मिनट नहीं लगाएंगे रिश्ता तोड़ने में। इसी का तो मुझे डर है अम्मी, ये मानूर जो है ना, ये इसने बहुत घटिया हरकत की है। आपको अंदाजा नहीं है कि इफ्रा किस तरह सिसकियों से रो रही थी, उसको ये सब नहीं कहना चाहिए था इफ्रा से। मेरी बच्ची,
मानूर को ऐसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए थी ना। मैं आजकल कोई किसी का लिहाज नहीं करता, हर कोई ना अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ, और खाला खाला और मानूर समझते हैं कि आज भी आशिर भाई पे उनका हक है। ये तो एक नई फिक्र लग गई मुझे, अल्लाह सब खैरियत रखे, बस मैं जल्दी से ना आशिर की शादी कर दूं। वैसे अम्मी, खाला और मानूर ने हमारी खैरियत की बैंड बजाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो चाहता है तो सब कुछ होता है, उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, वो अगर नहीं चाहेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात सुनो, आशिर को इस बात का पता है? मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पता है, वरना वो घर से जाते हुए इतने नॉर्मल नजर नहीं आते। अल्लाह बस खैर रखे सबके। अल्लाह अकबर। वो हम आंटी को देख के आते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं। रुको तो सही। इफ्रा, तुम्हें मेरा तुम कहना बुरा तो नहीं लगता? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे साथ बातें करना, मुझसे मिलना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और मैं कैसा लगता? आज सच में यूं लग रहा है जैसे जिंदगी मुस्कुरा रही है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है फ्रा, कभी भी जिंदगी में अपने दिल में मेरे लिए कोई गलत फहमी ना पाल। आपको ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान कोई गलत फहमी पैदा कर सकते हैं? एतबार कच्चा और रिश्ता नाजुक, तो कुछ भी हो सकता। हमें तो लगा था कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। थैंक यू इस एतबार के लिए। तुम शायद जानती नहीं कि किसी के एतबार को कायम रखना मुझे किस कदर अजीज है। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे ये मोहब्बत से भी ज्यादा खूबसूरत है। और मैं तुमसे वादा करता, मैं अपने रिश्ते के एतबार को कभी तोड़ने नहीं दूंगा, कभी नहीं। ये ले माँ, नाश्ता कर। चाय कहाँ है? बेटा तुम्हें पता है मैं चाय के बगैर नाश्ता नहीं कर सकती, चाय तो ले आओ। मॉम, चीनी और पत्ती दोनों खत्म हो चुके, बाकी फ्रिज में दूध तो रखा हुआ है। तो बेटा मुझे अब बता रही हो, कल बताना था ना। आशीर आया था, मैं मंगवा लेती उससे। उसने कहा भी था खाला कोई चीज खत्म हो तो मुझे कह दिया करें, मैं ला दूंगा। अब मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। मॉम, तो आशिर कौन सा चांद पे चला गया है? अब उसे कॉल करके बुला ले, मैं उसके साथ जाके घर का सारा सामान ले आऊंगी। आलिया बाजी ने जो राशन डलवाया था काफी दिन चल गया, अब तो वो भी खत्म हो रहा है और महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, सारे पैसे खत्म हो गए, घर का किराया भी सर पर आ गया, 100 खर्चे और हैं, बिजली के बिल और तो और यहाँ तो पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है।
पानी खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, कहां से करूं सब कुछ? इतनी मजबूर तो मैं कभी भी नहीं थी। आप शायद भूल रही हैं मॉम, आशर एडवांस में ही 6 महीने का किराया दे चुका है। अच्छा चलो बेटा, किराया तो उसने दे दिया लेकिन और भी तो इतने सारे खर्चे हैं, वो कहां से करूंगी? कोई खर्चा थोड़ी है, 100 जरूरतें होती है इंसान की। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? खाला और आशर है ना, खाला ने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमारे यहाँ चल के रह लो, हम एक काम करते हैं, हम वहीं चलते हैं, रोज रोज के इन मसलों से हमारी जान छुट जाएगी। वैसे भी रोजाना चीजें मांगते हुए अच्छा तो नहीं लगता ना इंसान। उस घर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, वो तुम्हारे बाप का खरीदा हुआ घर है, उसमें तुम्हारे बाप की यादें हैं, जरूर जाऊंगी वहां मैं। लेकिन जब तक वो अदीना वहां पर है तब तक नहीं जाऊंगी, वो अदीना मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं खुद को समझती क्या। कह तो बिल्कुल ठीक रही है, अदीना बहुत बदल गई है, बिल्कुल अजनबी हो गई है, मुझसे भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती वो। लेकिन मॉम पता नहीं उसकी शादी कब होगी, तब तक क्या मॉम हम दोनों इसी छोटे से घर में सड़ते रहेंगे? बाबा के चले जाने के बाद से वैसे ही अब इस घर में मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मेरी दर्द खत्म हो जाए फिर सोचती हूँ, अगर जाना पड़ा तो चले जाएंगे, क्योंकि हम मजबूर हो चुके हैं, मजबूर इंसान कुछ भी कर सकता है। मॉम प्लीज बस कर दे, संभाले खुद को। मां ही कैसे संभालूं अपने आप को, कैसे नौकर चाक कर दे, कैसे शांति मिली, और आज नाश्ते में चाय का कप नहीं है, चाय पत्ती के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। बस आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये लें भाई, गर्मा गर्म चाय आ गई आप लोगों की, ये भाई की। थैंक यू बेटा। यू आर वेलकम। और ये अम्मी आपके। आशीष भाई मैं सोच रही थी कि आज छुट्टी भी है और इफ्रा भी यही है, कहीं घूमने चलते हैं। अम्मी आप क्या कहती हैं? भाई अपने भाई से पूछ लो। भाई बताए ना लेके चल रहे हैं या नहीं, बड़ा दिल चाह रहा है शहर से कहीं दूर पुरसुकून जगह पे जाने का। चाय पी के बताता हूँ, अगर चाय अच्छी हुई तो ले जाना।